अगर आपके मन में भी सवाल उठ रहे हैं क्या 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है कि 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इसी तरह आपको छोटी बड़ी जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के कई राज्यों में सवाल उठ रहे हैं क्या जनता को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों कई न्यूज आर्टिकल के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि अब यहां पर जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसकी क्या सच्चाई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि राजस्थान सहित कई राज्यों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इसी को देखते हुए राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान ने सोमवार को सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने हाल में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है या फिर नहीं की है, या फिर क्या सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर देने के लिए सोच रही है या फिर नहीं सोच रही है। तो दोस्तों इन सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि 450 रुपए में सिलेंडर देने का मुद्दा 5 राज्यों में चुनाव के दौरान सामने आया, जहां राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 में सिलेंडर देने का वादा किया था। और फिर इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया और न्यूज पर काफी तेजी से वायरल होने लगा कि 450 रुपए में अब बीजेपी सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं देगी। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि इसको लेकर के कई न्यूज आर्टिकल साथ ही कई न्यूज पेपर के माध्यम से कहा गया कि अब यहां पर जो सरकार 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर से इनकार किया। तो दोस्तों इसी को देखते हुए राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक बड़ी अपडेट दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, जो कि 22/12/2023 का है, और इस न्यूज़पेपर कटिंग में राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा बड़ी अपडेट दी गई है। इन्होंने पेपर कटिंग के माध्यम से अपडेट कराया है। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में गरीब को 450 रुपए में ही मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। तो इस तरीके से यहां पर जो सरकार ने बड़ी अपडेट दी है, क्योंकि इसको लेकर के काफी मुद्दा भी उठ गया था कि 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहां पर सरकार ने कहा है कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में रियायत को लेकर उठे शंका, यानी कि जितने भी मन में शंकाएं फैल रही है उसके बीच भाजपा की भजनलाल सरकार ने स्थिति साफ की है कि सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं दोहराते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में सभी गरीब परिवारों को, महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि कब से दिया जाएगा फिलहाल इसको लेकर के कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि ये 10 प्राथमिकताएं प्रदेश भाजपा के संकल्प पत्र में भी शामिल रही है, जो अब भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है कि संकाय की स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने सरकारी वेबसाइट पर अपनी प्राथमिकताओं का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार फिलहाल अभी राजस्थान सरकार के द्वारा बड़ी अपडेट दी गई है, जो कि कहा है कि प्रदेश में गरीबों को 450 रुपए में ही दिया जाएगा एलपीजी गैस सिलेंडर। हालांकि कब दिया जाएगा इसको लेकर के कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों इसको लेकर के आपके मन में क्या राय है अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।